ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडी जिला के कोटली क्षेत्र में एक युवती पिछले 22 दिनों से लापता है। युवती के गायब होने से परिजन परेशान है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने एसपी मंडी से मामले की निष्पक्ष जांच करने की अपील की है। कोटली क्षेत्र से एक युवती पिछले 22 दिनों से लापता है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल पंचायत प्रधान सीताराम व महिला मंडल की प्रधान किरण कुमारी की अगुवाई में पुलिस अधीक्षक मंडी को मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक मंडी गुरुदेव शर्मा से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की अपील की है। परिजनों को आरोप है कि उनकी बेटी को क्षेत्र का एक ललित कुमार नामक युवक अगवा करके ले गया है। युवती के पिता ने एसपी मंडी से न्याय की गुहार लगाई है। तो उसका जो मंडी हमारे कोटली में चौकी है, हम उन्होंने फार्म वहाँ भी दर्ज करवाई है, तो वहाँ से हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो जब हमारे सभी गांव वाले जो है यहाँ पर आज एसपी साहब से मिले, उन्होंने हमारे को अलग से कमेटी का गठन करने के लिए कहा है कि हम जल्द से जल्द 3 या 4 दिन के अंदर इसका पता लगाएंगे। तो हमें विश्वास है कि वो जल्द से करें कि हमें तो सबसे पहले बात है कि लड़की है भी है कि नहीं है, जिंदा है या कि क्या है, कोई पता नहीं है उसका। 18 है लड़के का, कोई पता नहीं है। उनके रिश्तेदारों से कॉन्टैक्ट है उनका, वो बता नहीं रहे। तो हम चाहते हैं कि जो उनके रिश्तेदार हैं या तो उनके जो फ़ोन है डिटेल है उनको निकाले जाए प्रॉपरली, ताकि पता लगे, क्योंकि वो इतने अमीर घर के तो है नहीं है, गरीब है, दिहाड़ी कमाने वाला लड़का है, ऐसा नहीं है, वो पैसे वाला है। तो कहीं ना कहीं से उसको पैसे का भी तो कर रहे हैं। मेरे को विश्वास है कि वो बाहर नहीं है, इधर ही उधर ही हो गया, रिश्तेदार के हो गए। मैं चाहता हूँ कि पुलिस वाले से, जो मेरे पुलिस वालों से, पुलिस विभाग से अनुरोध करूँगा कि वो जल्द से जल्द से एक्शन लें, ताकि उस बच्चे का पता लगे है भी है, जिंदा है, मरा हुआ है, पता लगे कहाँ है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल महिला मंडल वड़गाम की प्रधान किरण कुमारी ने मामले की निष्पक्ष जांच की अपील की है। हमारे गांव से 22 दिन हो गए, एक लड़की अगवा हो गई है जिसका नाम सरिता देवी है। उसको जो है सुक्का कुंड से ललित कुमार सन ऑफ श्री नरोत्तम सिंह का बेटा ले गया है, और हमने पुलिस चौकी कोटली में रिपोर्ट लिखवाई थी। जो आज 22 दिन हो गए हैं, आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम आज मंडी एसपी दफ्तर में आए हुए हैं। आज उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाए, और हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका काम जल्दी होगा। वहीं ग्राम पंचायत कशाण के प्रधान सीताराम ने बताया कि मामला बहुत ही गंभीर है। उन्होंने कहा कि 22 दिनों से गांव से एक लड़की का गायब होना बहुत ही चिंतनीय विषय है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की अपील की है। साथ ही पंचायत प्रधान सीताराम ने एसपी मंडी से मिले आश्वासन के बाद इस मामले की निष्पक्ष जाँच होने की उम्मीद भी जाहिर की है। तो उसका जो मंडी हमारे कोटली में चौकी है, हम उन्होंने फार्म वहाँ भी दर्ज करवाई है, तो वहाँ से हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो जब हमारे सभी गांव वाले जो है यहाँ पर आज एसपी साहब से मिले, उन्होंने हमारे को अलग से कमेटी का गठन करने के लिए कहा है कि हम जल्द से जल्द 3 या 4 दिन के अंदर इसका पता लगाएंगे। तो हमें विश्वास है कि वो जल्द से करें कि हमें तो सबसे पहले बात है कि लड़की है भी है कि नहीं है, जिंदा है या कि क्या है, कोई पता नहीं है उसका। 18 है लड़के का, कोई पता नहीं है। उनके रिश्तेदारों से कॉन्टैक्ट है उनका, पर वो बता नहीं रहे। तो हम चाहते हैं कि जो उनके रिश्तेदार हैं या तो उनके जो फ़ोन है डिटेल है उनको निकाले जाए प्रॉपरली, ताकि पता लगे, क्योंकि वो इतने अमीर घर के तो है नहीं है, गरीब है, दिहाड़ी कमाने वाला लड़का है, ऐसा नहीं है, वो पैसे वाला है। तो कहीं ना कहीं से उसको पैसे का भी तो कर रहे हैं। मेरे को विश्वास है कि वो बाहर नहीं है, इधर ही उधर ही हो गया, रिश्तेदार के हो गए। मैं चाहता हूँ कि पुलिस वाले से, जो मेरे पुलिस वालों से, पुलिस विभाग से अनुरोध करूँगा कि वो जल्द से जल्द से एक्शन लें, ताकि उस बच्चे का पता लगे है भी है, जिंदा है, मरा हुआ है, पता लगे कहाँ है।